तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जीके में। तो आज हम बिहार एसएससी सीजीएल 2022 का 23 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर उपस्थित है, जो आपको आगामी जो 24 तारीख के एग्जाम के लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मिला जो सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है, मतलब कि रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है। तो इसको देखते हुए आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो ये जो वीडियो है 100% रियल क्वेश्चन छात्रों के द्वारा बताया गया क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि बेलारूस की राजधानी कहाँ है, बेलारूस का राजधानी कहाँ है। तो इसका सही जवाब था मिंस्क के। तो आप लोग मिंस्क अगर मारे होंगे तो आपका क्वेश्चन के साथ जवाब जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि गन्ना के उत्पादन सबसे बड़ा कहाँ होता है, गन्ना के उत्पादन में सबसे ज्यादा कहाँ होता है। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ये रिपीटेड क्वेश्चन है, शिफ्ट वन में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था और सेकंड में भी ये क्वेश्चन आ गया है। तो इसी तरह क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच आ रहा है कि पनामा की राजधानी कहाँ है, पनामा की राजधानी कहाँ है। तो इसका सही जवाब था पनामा शहर में। पनामा की राजधानी पनामा शहर में ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे कि प्रथम युद्ध किसने जीता, पानीपत का प्रथम युद्ध किसने जीता। ये सबको पता है कि बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम युद्ध जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आलमगीरपुर कहाँ है, आलमगीरपुर जो सिंधु सभ्यता से संबंधित है, आलमगीरपुर कहाँ है। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। और मांदा पूछ दिया, आज मांदा पूछने का संभावना है, तो मांदा जो है वो राजस्थान में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच आ रहा है कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ, कहाँ और कब हुआ। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, इसमें से दिया गया कब और कहाँ हुआ था। तो देखिए भगत सिंह का जन्म जो हुआ था 27 सितंबर 1907 ईस्वी को पंजाब के लालपुर जिले के बंगा गांव में। तो फर्स्ट शिफ्ट में सिर्फ पूछा था कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो उसका आंसर हुआ था बंगा गांव में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच आ रहा है कि भारत का पहला उच्चतम न्यायालय कहाँ बना, भारत का पहला उच्चतम न्यायालय कहाँ बना। तो इसका सही जवाब था कोलकाता में। भारत का पहला उच्चतम न्यायालय जो है वो कलकत्ता में बना। तो इसे हम देखेंगे कि बाजरा के उत्पादन में किस राज्य में सर्वाधिक होता है, बाजरा के उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में, राजस्थान में बाजरा का उत्पादन सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन आया हुआ था वो 7.9 किस महासागर में है। तो ये ऑप्शन के आधार पर आपको बनना था 7.9 किस महासागर में है। तो आगे हम देखेंगे कि ये था लेबनान का पड़ोसी देश इनमें से कौन नहीं है। तो ये भी ऑप्शन के आधारित पर था, ऑप्शन के आधारित पर। तो ऑप्शन हमें नहीं प्राप्त हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि आनंद मठ कौन सी भाषा में लिखा गया है, आनंद मठ कौन सी भाषा में लिखा गया है। तो इसका सही जवाब था कि आनंद मठ बांग्ला भाषा में लिखा गया था, जिसके रचयिता जो थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। अगला क्वेश्चन जो था बिस्टा प्रोजेक्ट कहाँ के लिए है, बिस्टा प्रोजेक्ट कहाँ के लिए है। तो बिस्टा प्रोजेक्ट जो है नई दिल्ली के लिए है, नई दिल्ली के लिए है। और इसका है सेंट्रल बिस्टा का जीर्णोद्धार परियोजना भारत सरकार द्वारा प्रायोजित रायसीना पहाड़ी से इंडिया गेट तक राजपथ के किनारे स्थित भारत की राजधानी दिल्ली को केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र जिसे सेंट्रल बिस्टा कहा जाता है। तो सेंट्रल बिस्टा जो है वो न्यू दिल्ली के लिए से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था ब्रिक्स सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ, ब्रिक्स सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ था। तो इसका सही जवाब था बीजिंग चीन में। तो बीजिंग चीन आप लोग मारे होंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था,
दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था? तो इसका सही जवाब था पीसी महलनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना का दिया गया है? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? इसका सही जवाब था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। अगला जो क्वेश्चन था वो कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये अपना बिहार से संबंधित था। जो 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था, जो 2012 ईस्वी में हुआ था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप हमारे इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग अगर आगामी एग्जाम दे रहे हैं तो उसका क्वेश्चन हमारे कॉमेंट बॉक्स में डालना न भूलिएगा। धन्यवाद।